हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जिस प्रीमियर लीग मैच का हम प्रीव्यू करने वाले हैं वो खेला जाएगा लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच। तो लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों प्रीमियर लीग के टॉप क्लब्स में काउंट होते हैं और दोनों ही क्लब्स एक दूसरे के आर्च राइवल हैं। बट ये वाला सीजन लिवरपूल का परफॉर्मेंस तो बहुत इंप्रेसिव रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो यूनाइटेड है उन्होंने अभी तक एवरेज सही परफॉर्मेंस किया है। अगर मैं आपको पॉइंट्स टेबल दिखाऊं, लिवरपूल अभी टॉप में है, टाइटल रेस में चल रहे हैं अलॉन्ग साइड आर्सेनल, विला एंड सिटी। फिलहाल फर्स्ट में है, 16 मैचेस में इनके 37 पॉइंट हैं, 36 इन्होंने गोल स्कोर किया और 15 गोल कंसीड किए, तो अभी तक बहुत अच्छा किया है। यूनाइटेड अभी 7th पोजीशन में है और बहुत इनकंसिस्टेंट टीम है यूनाइटेड। एक मैच जीतते हैं, फिर हारते हैं, फिर जीतते हैं, यानी कि एक तरीके से आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। 16 मैचेस में सिर्फ 27 पॉइंट हैं, 18 गोल मारे और 21 गोल कंसीड भी कर दिए। एक बार मैं आपको दोनों टीम का प्रीवियस रिजल्ट दिखा देता हूं। तो लिवरपूल अपना लास्ट प्रीमियर लीग मैच 2-1 से पैलेस को हरा के यहां पे आई है। मो साला और हार्वी इलियट का इस मैच में एक एक गोल था और साला और जोन्स का एक एक असिस्ट था। वहीं यूनाइटेड जो है अपना लास्ट मैच 3-0 से अपने घर में बमौत के हाथों हार गई। फिलहाल इस वाले मैच की बात की जाए, लिवरपूल अपने घर में खेल लिया है, रीसेंट फॉर्म उनकी बहुत इंप्रेसिव चल रही है। वहीं यूनाइटेड जो है रिसेंटली काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरा, इस मैच में उनके बहुत से मेन प्लेयर्स अनअवेलेबल हैं, जैसे ब्रूनो फर्नांडिस सस्पेंडेड है, हैरी मैग्वायर इंजर्ड है और भी कई सारे मेन प्लेयर्स इंजर्ड है, फॉर्म भी उनके साथ नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहूँगा, लिवरपूल जो है इस मैच को जीतने के लिए क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है। तो अभी के लिए स्मॉल लीग में हम लिवरपूल को ही बैक करके अपनी टीम बनाने वाले हैं। अब गाइस, सबसे मेन चीज़, इस मैच की लाइनअप आने के बाद जो भी फाइनल टीम में अपडेट होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट प्रोबेबल लाइनअप पे और पहले स्टार्ट करते हैं लिवरपूल से। ये फेवरेट्स हैं, अभी मैं इनके मैक्सिमम यानी कि मैं 7 प्लेयर जो है वो लिवरपूल के पिक करने वाला हूँ। तो लिवरपूल की प्रोबेबल लाइनअप पे नजर डालते हैं। एलिसन होंगे इनके गोलकीपर, 4 इनके डिफेंडर होंगे अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, कोनाटे, वैन डाइक और सिमिकास। फिलहाल इस मैच में अगर दोनों में किसी एक टीम को क्लीन शीट के लिए बैक करने का, मैं लिवरपूल को करूंगा और बहुत अच्छा मुझे इनका क्लीन शीट का चांस लग रहा है। तो मैं मैक्सिमम डिफेंडर जो है वो लिवरपूल के पिक कर रहा हूं। अभी मैं चारों तो नहीं ले आ रहा हूं, लेकिन मैं अभी के लिए कोई 3 डिफेंडर पिक कर रहा हूं। फिलहाल जो अभी मेरी टॉप 3 चॉइस है वो है अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, वैन डाइक और सिमिकास। अब मेरे अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर आर्नोल्ड और वैन डाइक दोनों मस्ट पिक हैं, लेकिन आप सिमिकास वाले प्लेस में चाहे तो कोनाटे के साथ भी जा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मैंने सिमिकास लिया बिकॉज वो अटैकिंग वाइज असिस्ट वगैरह दे सकते हैं और डिफेंसिव भी करते हैं, लेकिन कोनाटे भी हेडर में अच्छे हैं और डिफेंसिवाइज ओके ओके हैं। तो सिमिकास और कोनाटे में आप अपना कॉल लेना, बट अभी मैं अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, वैन डाइक और सिमिकास ले रहा हूँ, बट आप इनके वाले प्लेस में कोनाटे के साथ भी जा सकते हैं। एंडो खेलेंगे डिफेंसिव मिडफील्ड में, अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इनसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे मिले थे। सेम विद ग्राउंडबर्च, अभी के लिए मैं ग्राउंडबर्च को भी इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस किया पर इनसे और बेटर ऑप्शन थे, तो मैं एंडोर ग्रावनबर्ग को इग्नोर कर रहा हूँ। अभी मैं मिडफील्ड में जो सबसे पहले प्लेयर पिक करूंगा वो है शोबोस्लाय, जो मेरे अकॉर्डिंग इस सीजन बहुत इंप्रेसिव उन्होंने परफॉर्मेंस किया अभी तक लिवरपूल के लिए, न्यू साइनिंग थी ये। मिडफील्ड से गोल असिस्ट भी कर रहे हैं रेगुलर और बिना गोल असिस्ट के भी अच्छे खासे पॉइंट देते हैं, कॉर्नर फ्री किक भी शेयर करते हैं अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के साथ, तो मैं इस वजह से शोबोस्लाय को पिक कर रहा हूँ। बाकी जो इनका फ्रंट थ्री है, साला, नूनेज और डियास, ये तीनों ही मस्ट पिक रहेंगे। जो यूनाइटेड है और डिफेंसिव है बहुत लीकी है, सीएन काफ़ी गोल लीक कर रही है और ये तीनों अटैकर ऐसे हैं कभी भी इनका दिन होगा, एक एक इसमें पर्सनली हैट्रिक भी स्कोर कर सकते हैं। तो मैं साला, नूनेज और डियास तीनों को भी करूंगा। साला तो इनके लास्ट कई सीएन से टेलिसमैन है, इस सीएन भी टॉप स्कोरर है, पेनाल्टी टेकर भी है, इस मैच में जो है वो क्लियर कट कैप्टनसी ऑप्शन भी होने वाले हैं। तो ये लिवरपूल की 11 थी। अभी मैं 7 प्लेयर यहाँ से ले रहा हूँ, जिसमें मैं अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, वैन डाइक और सिमिकास को डिफेंस से ले रहा हूँ, मिडफील्ड में ले रहा हूँ शोबोस्लाय, साथ ही डियाज भी मिडफील्ड में लिस्टेड है और फॉरवर्ड में मैं नूनेज और साला दोनों को पिक करके गया हूँ। पेनल्टी इनकी साला ही लेने वाले हैं और ये अभी तक के लिवरपूल के सीएन के स्टेट है, आप देखिए साला के कोई आसपास भी नहीं है, 11 गोल हैं, 4-4 गोल जोटा नूनेज के, 3 डियाज के, 2 अलेक्जेंडर आर्नोल्ड गाप को गए, बाकी साला के 7 असिस्ट भी हैं, 5 नूनेज के, बाकियों के 3 और 2-2 असिस्ट हैं। अपोनेंट की बात करने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड दिलाऊंगा, इस मैच की फाइनल टीम या अपडेट के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपोनेंट जो है हमारा मैन यूनाइटेड की, तो एंड्रे ओनाना होंगे इनके गोलकीपर। अभी मैं गोलकीपर ओनाना को ही पिक करूंगा, मेरे अकॉर्डिंग लिवरपूल अपने घर में बहुत अटैक करने वाली है, तो गोलकीपर मेरे रहेंगे ओनाना। 4 इनके डिफेंडर हैं, वैन बिसाका, लिनलॉफ, वरान
और शॉ। अब यहाँ पे डिफेंस में हैरी मैग्वायर सस्पेंडेड हैं, इस वजह से लिंडलॉफ और वरान का पेयर खेलेगा सेंटर बैक पोजीशन में, फुल बैक्स होंगे वैन बिसाका और शॉ। फिलहाल में यूनाइटेड का कोई भी डिफेंडर नहीं ले गया। अगर लिवरपूल इनकी थ्रेशिंग करती है, मुझे याद है लास्ट सीजन लिवरपूल ने 7 गोल मार दिए थे इनके अगेंस्ट और अभी भी यूनाइटेड कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेल लिया है, तो अगर इनकी थ्रेशिंग होती है तो हो सकता है कुछ कुछ डिफेंडर इनके नेगेटिव में भी पॉइंट दे दे, तो अभी मैं लिवरपूल का कोई भी डिफेंडर लेके नहीं गया। बट अगर आपको किसी को ले आना है, मे बी आप वैन बिसाका या सौ में किसी एक के साथ जा सकते हैं, खासतौर पर वैन बिसाका जो डिफेंसिव है इंप्रेसिव है, बट अभी मैं इनका कोई भी डिफेंडर नहीं ले गया। अमराबाद और माइनो थोड़ा डिफेंसिव खेलेंगे, जबकि मैकटोमिने फर्नांडिस वाले प्लेस में एडवांस मिडफील्ड रोल में खेलेंगे। अभी मैं माइनो तो इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक ठाक यंगस्टर है, डिसेंट सा किया है, बट इनसे बेटर ऑप्शन थे। फिलहाल मैं मैकटोमिने और अमराबाद को पिक कर रहा हूँ। मैकटोमिने मेरे अकॉर्डिंग इस सीजन के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है यूनाइटेड के, सरप्राइजिंगली टॉप स्कोरर भी है, मिडफील्ड से बहुत गोल्स भी मार रहे हैं और डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। वहीं जो अमराबाद है, इन्होंने भी लास्ट कुछ मैचेस से डिसेंट डिफेंसिव पॉइंट दिए, इस मैच में भी इनसे अच्छे खासे टैकलिंग इंटरसेप्शन के पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं अभी के लिए अमराबाद और मैकटोमिने दोनों को लेके गया हूँ। एंटनी ने कुछ खास किया नहीं, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। रैशफर्ड और होयलुंड आपको फॉरवर्ड सेक्शन में मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है रैशफर्ड के प्लेस में गर्नाचो के लिए, फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ। बड़ा मैच है, मोस्ट प्रॉबली रैशफर्ड को ही मौका मिलेगा। अभी मैं इन दोनों में किसी एक को ही पिक कर पाऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं साला और नूनेज पिक कर चुका हूं, तो एक ही स्पॉट है मेरे पास फॉरवर्ड सेक्शन में। फिलहाल मैं इस मैच में रैशफर्ड को लेके गया, उसका रीजन क्या है, सीनियर प्लेयर है, ब्रूनो की एब्सेंस में, ब्रूनो बिकॉज सस्पेंडेड है, उनके एब्सेंस में इनको स्टेप अप करना होगा और मोस्ट प्रॉब्ली अगर स्टार्ट करेंगे पेनल्टी भी लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है बड़े मैच में बड़ा प्लेयर अच्छा कर सकता है। ऑल्दो रैशफर्ड अच्छी फॉर्म में नहीं है, बट मैं इस मैच में रैशफर्ड पे ट्रस्ट कर रहा हूं। लेकिन आप इनके अलावा प्लेस में होयलुंड को भी पिक कर सकते हो। होयलुंड ने हर एक मैच में अच्छा तो किया, गोल मारने के क्लोज आता है, फिनिशिंग उतनी नहीं कर पा रहा है, तो अभी मैंने रैशफर्ड लिया, लेकिन आप याले प्लेस में होयलुंड ले सकते हो। अगर आप श्योर हैं यूनाइटेड नहीं मारेगी, तो आप इन दोनों को ही ड्रॉप करके मिडफील्ड में स्पेस दे दो, मे बी माइनो ले सकते हो, नहीं तो आप डिफेंस में शॉ या वैन बिसाका में किसी को ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं बड़े मैच में रैशफर्ड पे ट्रस्ट करके उनको पिक करके चल रहा हूँ। तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की 11 थी, जो मैं यहाँ से 4 प्लेयर ले गया, मैं गोलकीपर ओनाना ले गया, इसके अलावा मैं मैकटोमिने और अमराबाद मिडफील्ड से ले गया, और फॉरवर्ड में मैंने रैशफर्ड को पिक किया। बाकी जो पेनल्टी होगी इन एब्सेंस ऑफ फर्नांडिस, रैशफर्ड ही लेने वाले हैं। फिलहाल ये अभी तक के यूनाइटेड के सीजन के स्टैट है, आप ये स्टैट देख सकते हैं। अब आ जाते हैं मेरी इस मैच की प्रिडिक्शन में, तो मैं एक 2-0 या एक 3-1 क्लियर कट लिवरपूल विक्ट्री के साथ जा रहा हूं। तो अभी ये मेरी डेमो रफ टीम है, गोलकीपर मैंने ओनाना लिए, मैंने 3 लिवरपूल के डिफेंडर लिए, अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, वैन डाइक और सिमिकास। मिडफील्ड में मैंने शोबोसलाई और डियास लिए, वहां से मैंने लिया अमराबाद और मैकटोमिने। फॉरवर्ड में मैंने साला, नूनेज और मार्कस रैशफर्ड को पिक किया है। अब चेंजेस क्या करने हैं, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। अगर आप श्योर है यूनाइटेड स्कोर नहीं करेगी, तो आप रैशफर्ड हटा के मिडफील्ड में स्पेस है, तो मे भी आप माइनो ले सकते हैं, नहीं तो आप इनका एक डिफेंडर शॉ या वैन बिसाका में किसी एक फुलबैक को ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है रैशफर्ड फ्लॉप होगा लेकिन होयलुंड अच्छा करेगा, तो आप फॉरवर्ड में रैशफर्ड वाले प्लेस में होयलुंड भी पिक करके चल सकते हैं। एक चेंज और हो सकता है, मे भी किसी को लगता है डियास या नूनेज में किसी एक बंदे का गोल असिस्ट नहीं आएगा और ऑफ डे जाएगा, तो आप उस एक प्लेयर को हटा के या तो आप मिडफील्ड में समवन लाइक ग्रावन बच पे पढ़ ले सकते हैं, नहीं तो आप सीधे सेव इनका फोर्थ डिफेंडर कोनाटे के साथ भी जा सकते हैं। कैप्टनसी मैंने यहाँ पे साला को ही दी है, वाइस कैप्टन हम लिवरपूल को बैक कर रहे हैं, तो नूनेज, डियाज और अलेक्जेंडर आर्नोल्ड 3 बहुत अच्छे ऑप्शन है, आप इन तीनों में किसी को भी अपने अकॉर्डिंग वीसी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये मेरी डेमो रफ टीम थी। अपडेटेड फाइनल टीम के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए।